Hello, future scholars. I hope you are doing great. So today we are going to do a chapter number 4 of your book Time Travelers, grade 6, Acknowledge series, which is a unit of Amit Publishing House. And your chapter name is Vedic Age. Before we start your chapter, let me remind you one thing. कि हमने जो अभी प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने ये देखा कि कैसे सेटलमेंट्स होने लगा था, धीरे धीरे सोसाइटीज बनने लगी थी, अब ठीक है एग्रीकल्चर करने लगे थे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। अब सोसाइटीज जब बनने, जब डेवलप होने लगी, तो उसमें हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो सिस्टम है कास्ट, ये कैसे हमने उसको डिवाइड किया, हमने ऑक्यूपेशन के बेस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, वैदिक एज में जो सोसाइटी जो डिवाइडेड थी वो 4 मेन कास्ट में डिवाइडेड थी, या वर्ण भी बोल सकते हो आप, कास्ट को वर्ण भी बोलते हैं। अब आपको जो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, आपको ये बताना है कि कौन क्या है। फर्स्ट वन इज ये ब्राह्मण है, तो यहाँ ब्राह्मण आएगा। इस ये वॉरियर दिख रहा है आपको, तो ये क्षत्रिय होंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं वैश्य, यानी कि जो ट्रेड रिलेटेड मर्चेंट्स वगैरह इसका काम किया करते थे। और लास्ट में जो आपके हैं शूद्र, ये उस तरह के काम किया करते थे। यानी कि ये तीनों ही कास्ट को इनके जो मतलब कि सैनिटेशन वाली हाइजीन वाले जो काम होते थे वो ये वो क्या कर मिनाइल वर्क इसको बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। द पीरियड बिटवीन 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसको रेफर किया जाता है वैदिक पीरियड, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में इसको रेफर किया जाता है वैदिक पीरियड। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, वैदिक पीरियड को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। पहला अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो फर्दर 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ओके, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्यंस कौन है। वन ऑफ द मेजर रीजन ये रहा कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका डिक्लाइन होने का कारण हम आर्यंस को भी मान लेते हैं। आर्यंस एक ट्राइब हुआ करती थी जो कि कहीं, यानी कि सेंट्रल एशिया से वो लोग आए थे। हो सकता है कि उन्होंने आकर उन पर अटैक कर दिया हो, जिससे आके इन्होंने रूल कर लिया हो। फर्दर जो भी चीज़ें हुई रही होंगी, तो इनका भी एक रीज़न माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ है वो आर्यंस ने उन पर इन्वेड कर दिया था, यानी कि उन पर अटैक कर दिया था। और ये आर्यंस कहाँ से आए थे, ऐसा माना जाता है कि ये इंडो यूरोपियन ट्राइब्स हैं जो कि सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से आई थी, जो कि जिन्होंने माइग्रेट किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ओर, ठीक है, कि फर्दर उनको अच्छे रिसोर्सेज या मतलब माइग्रेट किया करते थे, फर्दर एक एडवांसमेंट सोसाइटी में कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो लोग माइग्रेट किया करते थे रिसोर्सेज टू रिसोर्सेज, ठीक है। तो दे केम टू इंडिया थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन। इंडिया में इनकी जो एंट्री हुई है वो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस के साइड से हुई है, ठीक है। तो ये उनको माना जाता है कि रेफरेंस पॉइंट है कि आर्यंस कहाँ से आए, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस की ओर से भारत में इन्होंने एंट्री की थी। आर्यंस संस्कृत बोलते थे, जो इनका आपस में बातचीत करने का तरीका था वो था संस्कृत भाषा को यूज करते थे। इनिशियली दे सेटल्ड, और वो कहाँ पर आकर सेटल हो गए थे, सप्त सिंधु रीजन में, और लेटर स्प्रेड अदर रीजन्स। सिंधु वाला रीजन यानी कि इंडस वैली के आसपास ही, जो इंडस वैली वाला टाइम था, इंडस रिवर के आसपास ही इनका सेटलमेंट हो गया था, और बाद में ये और आगे जाकर बस गए थे, और मतलब मिडिल पार्ट में इंडिया के, और फर्दर और ईस्ट पार्ट तक। अब मेजर सोर्सेज क्या हैं इंफॉर्मेशन के, मतलब आर्यंस के बारे में जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। वी केम टू नो आर्यंस कल्चर फ्रॉम द 4 वेदास। द वर्ड वेदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड।
जो वेद जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत का वो कहाँ से निकला है? विड मीनिंग नॉलेज, यानी कि विड से इसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। फोर वेद कौन कौन से हैं हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना गया है, इसको सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद यही है, ठीक है। वेद को एक कंसिडर किया गया है एज अ सैक्रेड, यानी कि प्योर। बिलीव किया जाता है कि ये जो टेक्स्ट है ना, इनको जिस इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वेद के अंदर, इसको ऐसा माना गया है कि ये यानी कि एक तरीके से भगवान के ही शब्द है, इसमें उपदेश है, ठीक है, डायरेक्ट रिवोल्यूशन फ्रॉम द गॉड्स। दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज नित्या मीनिंग इटर्नल, इनको ऐसे माना गया है कि ये इटर्नल है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाले, अलाइव, ठीक है। द वेदास वर ट्रांसमिटेड ओरली। देखो होता क्या था, पहले पहले पेजेस या पेपर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो लोग ओरली ही चीज़ों को याद कर लिया करते थे, और वो काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे। बड़ी से बड़ी जो बुक्स हैं या जो चीज़ें हैं उनको याद कर लेते, कंठस्थ होते थे, उनको पता होता था कि पूरा उच्चारण कर देते थे लगातार, ठीक है। वो तो फिर बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी तो फिर उन्होंने लीव्स पर लिखना शुरू कर दिया, पेड़ की छाल को यूज़ किया, उस पर लिखना शुरू किया, ठीक है। सो यानी कि वेद का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे कैसे अगली पीढ़ी को मिला है, यानी कि वो याद कर कर, यानी कि लोगों ने उसको ऐसा कंठस्थ याद कर लिया था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया वो ज्ञान, ठीक है। अटेस्ट टू ईच वेदास सेवरल एक्सपाउंडिंग प्रोज टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास, कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मणास आर कॉल्ड आर्यमकास, यानी कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी हैं साथ में जिनको हमने ब्राह्मणास बोला है, जिनको फर्दर आर्यमकास भी बोलते थे, ठीक है। मीनिंग इसका मतलब होता है फॉरेस्ट बुक्स, यानी कि धीरे धीरे ना हम लीव्स पे लिखना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि पहले ओरली होती थी सब कुछ चीज़ें, अब धीरे धीरे हम लिखना स्टार्ट किए थे। द उपनिषद आर कमेंट्रीज। उपनिषद क्या है? वो एक तरह की कॉन्वर्सेशन है, एक डायलॉग्स है, कमेंट्रीज है, अटैच टू द आर्यमकास, जो कि आर्यमकास के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना भी है, ओल्डेस्ट, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जिसको कब कंपोज किया गया था, कब बनाया गया था? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। ऋग्वेद में कंसिस्ट क्या है? हाइम्स हैं, जिसको सुक्तास भी बोलते हैं, वेल सेड मोस्ट ऑफ दीज हाइम्स, यानी कि जो हाइम्स हैं, यानी कि जो आप ये देख रहे हो ना, ये हाइम्स हैं, यानी कि इसमें अग्नि देवता को अगर उनकी वर्शिप करनी है तो उनसे रिलेटेड जो चीजें लिखी हुई हैं वो इसके अंदर मेंशन है। अग्नि मतलब द गॉड ऑफ फायर, इंद्र मतलब द वॉरियर गॉड, यानी कि युद्ध के जो देवता हैं वो इंद्र हैं, और सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसको आप मतलब उससे इस तरह का एक कह सकते हैं आप, एक स्पेशल ड्रिंक तैयार की जाती थी ताकि जिसको बहुत सेक्रेड माना जाता था। दूसरा आपका है सामवेद। सामवेद में कलेक्शन है वर्सेस, मतलब एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें फ्रॉम द ऋग्वेद फॉर द लिटर्जिकल पर्पज। सामवेद इसमें आप म्यूजिक कंपोज आप मान सकते हो, कि जैसे कुछ ऐसी जैसे बोलते हैं ना आपने दोहा पढ़ते हो उस टाइप, कुछ इस तरह की चीजें इसके अंदर मेंशन है। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जितने भी वर्शिप करने के तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, वो हम सब यजुर्वेद में वो चीजें मेंशन कर रखी हैं, और वो दोनों तरीके में, पोएट्री रूप में, प्रोज में भी है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमने जो पाया है वो है कि मैजिकल चार्म्स, यानी कि अगर ब्लैक मैजिक हो या कुछ इनवोकेशंस, चार्म्स, इनवोकेशंस, यानी कि ब्लैक मैजिक, ये इस तरह के इसमें रिचुअल्स लिखे हुए थे, ठीक है। कैसे लोग परफॉर्म किया करते थे, किस तरह का यज्ञ किया करते थे, ये सब। आर्यन कल्चर रिकंस्ट्रक्टेड बेस्ड है किस पर? जो हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो साइट हिंट मिलता है कि डाइवर्स कल्चर रहा होगा वैदिक टाइम का, ठीक है। फिर हम जान लेते हैं कि आर्यन जो आए थे सेंट्रल एशिया से, वो धीरे धीरे कहाँ पर सेटल हुए, कैसे
किस तरह की वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, ये सब चीजें हम देखेंगे। ऋग्वेद के हाइम से हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि इनिशियल जो आर्यन सेटलमेंट हुआ था भारत में हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस, इंडस की जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास हुआ था, गोमती रिवर के पास हुआ था, क्रोमो, कुबा। और आर्यन लर्न द यूज ऑफ आयरन इन द लेटर वैदिक पीरियड। आयरन आयरन का जो यूज है आर्यन ने इसको लेटर वैदिक पीरियड में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उन्होंने उससे टूल्स बनाने शुरू कर दिए, यानी कि अब वो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट को, और उसके लिए खेती कर रहे हैं वहां पर, इस तरीके से वो यूज करते थे, और अपने अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाने के लिए भी यूज करने लगे थे। धीरे धीरे वो गंगेटिक प्लेन्स की ओर भी बढ़ने लगे, यानी गंगा वाला जो रीजन है, ठीक है। वैदिक पोइट्स ने ऑल्सो मैंशन किया है कि हिमालयाज, बट देर इज नो मैंशन ऑफ द विंध्याज, यानी कि वैदिक जो उस टाइम पे जो कवि रहे होंगे, उन जब वो कुछ टेक्स्ट लिखा करते थे या कुछ भी कुछ चीज़ें प्रिंट होती थी, उसको उन्होंने उसमें हिमालय का तो जिक्र है लेकिन विंध्या रेंजेस का जिक्र नहीं है, यानी कि वो सदर्न इंडिया की ओर नहीं गए थे, यानी कि उनका जो सेटलमेंट है वो वेस्टर्न इंडिया से लेकर गंगेटिक प्लेन्स और थोड़ा सा ईस्ट तक, वो साउथ की ओर नहीं गए, ठीक है। गंगा इज मेंशन इज इन वन ऑफ द ऋग्वेदिक हाइम्स, द हाइम्स टॉक अबाउट द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। इसमें सेवन रिवर्स की बात की गई जिसको बोलते हैं सप्त सिंधु, ये उसमें वैदिक मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी रही होगी, है ना, किस तरीके से रूल किया करते थे, क्या किस तरह की एक्टिविटीज वो परफॉर्म किया करते थे। सो लोवेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इन द ऋग्वेद पीरियड वॉज द फैमिली। किस तरीके से फैमिली उनकी थी, फैमिलीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरीके से था, वो देख लेते हैं। सबसे लोवेस्ट यूनिट जो है फैमिली, और कुल, कुल भी बोलते हैं, फैमिली या कुल, हेडेड, जिसको हेड कौन करेगा, कुलापा। फर्दर अगर नंबर ऑफ फैमिलीज एक साथ रहना शुरू कर देंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक विश क्लैन बन जाएगा, और वो किसके अंडर आएगा, विशपति उसको हेड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर गांव बन जाए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, गांव, ग्राम या विलेज, गांव बोलते हैं, जिसको कौन हेड करता था, ग्रामीणी और विलेज हेडमैन, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जन बन जाएगा, जन, और ए ट्राइब रूल्ड बाय द राजन, जिसको कौन रूल करेगा, राजन। पुरोहित और प्रीस्ट परफॉर्म करते थे रिलीजियस सेरेमनीज, जो पुजारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने भी धर्म से संबंधित चीजें हैं या पूजा है, पद्धति है, वो उनको परफॉर्म कौन करता था, पुजारी, प्रीस्ट। सेवरल ट्राइबल्स और किन बेस्ड असेंबली सच एज सभा, समिति, विधाता और गण आर मेंशन इन द ऋग्वेद, यानी कि इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये समिति हो गई, यानी कि काउंसिल और असेंबलीज हो गई, सभा, गण, ये सब पूरी प्रॉपरली मेंशन है ऋग्वेद में। मैन और वुमेन उन असेंबलीज का पार्ट थे दोनों, यानी कि कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था पहले, सभी को पूरा बराबरी का हिस्सा दिया जाता था। लेटर वैदिक टाइम्स में दीज ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबलीज लॉस्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, वैदिक पीरियड बढ़ता गया आगे तक, तो धीरे धीरे इन समितियों ने, इन काउंसिल्स ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी, क्योंकि जब एरिया बढ़ता चला गया तो उसको हेड करने लगे थे किंग, राजा करता था रूल, तो जब एरिया बढ़ता चला गया तो उसके कारण किंग ज्यादा पावरफुल होता चला गया कंपेरिजन टू द जो सभाएं, समिति है, ठीक है। बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द लार्जर किंगडम्स इंक्रीज द पावर ऑफ चीफ ऑफ द किंग, द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी, राष्ट्र का मतलब होता है कितनी आपका रीजन है, कितनी टेरिटरी है, कितनी बाउंड्रीज हैं आपकी, फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथेड बाय द रिचुअल्स ही परफॉर्म द राजसुई सेक्रीफाइस, यानी कि अगर किंग जब रूल किया करता था तो वो देखो कई तरह के यज्ञ किए जाते थे, अगर किंग अपना डोमिनेंस शो करता था तो वो राजसुई यज्ञ किया करता था, ठीक है, और वो उसमें विच वॉज सपोज टू गिव हिम सुप्रीम पावर, ऐसा माना जाता था कि इस यज्ञ को करने से उसको सुप्रीम पावर मिल जाएंगे, यानी कि एक कनेक्शन फील करते थे, है ना। उसके बाद अश्वमेध एक यज्ञ होता था जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते हैं, ये भी परफॉर्म किया जाता। इसमें होता क्या था,
कि एक घोड़े को ना, एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था कि जय जितनी दूर वो मूव करेगा या जितनी दूर जहां तक भी वो जाएगा जिस रीजन तक, आगे जितने भी रीजन पढ़ते जाएंगे, अगर किसी ने भी उस घोड़े को रोक लिया तो उस राजा को फिर उस राजा से चैलेंज यानी कि वॉर करना पड़ता था। और अगर राजा उसको डिफीट कर दे तो वो पार्ट भी उसका मिल जाएगा। यानी कि जब तक अगर घोड़ा मूव करता जा रहा है लगातार, अगर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये घोड़ा इस राजा ने छोड़ा है एज अ रिचुअल, अगर उनमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घोड़ा लगातार जहां तक भी जाएगा तो वो सारा एरिया यानी कि उस किंग के अंडर आएगा, क्योंकि उसका कि वो किंग इतना पावरफुल है कि बाकी जितने भी और जो लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये किंग सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है उसके पास। जिस जो भी उस घोड़े को रोक लेता था फिर उसको उसके साथ वॉर करना पड़ता था, फिर वो किंग उस किंग उस वॉर में उसको हरा देता था, उसके रीजन को भी अपने अंडर मिला लेता था। अराउंड 1000 BC आर्यंस, 1000 BC के आसपास आर्यंस ने मूव करना शुरू कर दिया। कहाँ की ओर? ईस्टवर्ड और साउथवर्ड की ओर, गंगा वैली की ओर, क्योंकि थिक फॉरेस्ट को उन्होंने क्लियर कर दिया था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब किस तरह की फैमिली रहा करती थी, किनशिप वगैरह, है ना, कुल कुल मीनिंग मतलब फैमिली इज रेयरली मेंशन इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका इतना अच्छे तरीके से मेंशन नहीं है कुल का। इट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द फादर, मदर, सन्स, डॉटर्स एंड द स्लेव्स, बट ऑल्सो मैनी अदर पीपल। फैमिली इन द अर्ली वैदिक फेज वॉज मोस्ट प्रोबेबली रेफर टू एज अ ग्रह। देखो यानी कि इतना प्रॉपर ऋग्वेद में इतना प्रॉपरली मेंशन नहीं है फैमिली की, हाँ कि भाई फादर है, मदर है, यानी कि और लोग भी, और लोगों का भी उसमें मेंशन किया हुआ है, तो हम एक प्रॉपर क्लियरली नहीं बोल सकते। ठीक है, इट प्रोबेबली वॉज पेट्रियार्कल विद द फादर एज द हेड। ऐसा माना गया है कि जहां पर भी अगर ये वर्ड आता है पेट्रियार्कल, यानी कि पेट्रियार्कल का मतलब होता है कि उस फैमिली को जो हेड करने वाला होता है वो होता है फादर, कि मेल वो हेड करेगा। सिंस इट वॉज अ पेट्रियार्कल सेटअप, द बर्थ ऑफ सन्स वॉज वेलकम बाय। क्योंकि अब फैमिली को हेड कर रहा है एक मेल, तो अगर जो अगर किसी उसके बेटे होते थे तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, बाय दिस टाइम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड बीन एस्टेब्लिश, यानी कि इस टाइम तक आते आते मैरिज को एक इंपॉर्टेंस मिल गई थी कि ये परफॉर्म होने लगी। हाउएवर वुमेन ऑल्सो एंजॉयड अ गुड पोजिशन सोसाइटी। देखो किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता था, वुमेन्स को भी हमने एक अच्छी पोजिशन दी हुई थी उस टाइम पे। कुछ नाम है इम्पोर्टेंट वुमेन्स का, उसमें फर्स्ट नाम है गार्गी, मैथ्री, घोष, लोपामुद्रु, वर सम नोटेबल वुमेन स्कॉलर्स। ये इतनी बड़ी विद्वान रही हैं उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में, तो इनका नाम आता है। हाउएवर बाय द लेटर वैदिक पीरियड द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। इनकी अर्ली वैदिक पीरियड में तो काफी इनका मान सम्मान था, लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ तो वुमेन्स की जो पहले इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब उनको पब्लिक पार्टिसिपेशन में भी नहीं बुलाते थे, है ना। सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से वो बटी हुई थी, हम इसमें जानने वाले। एंटायर सोसाइटी डिवाइड थी फोर मेन क्लास में, या वर्ण बोल सकते हो आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण सिस्टम वर्क एसेंशियल। देखो जो वर्ण सिस्टम था ये बेस्ड यानी कि ये बेस्ड था ऑक्यूपेशन पर, कि आप किस तरह का एक्टिविटी करते हो। अगर हम आज के टाइम से कंपैरिजन करें, आज जो कास्ट सिस्टम है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को कास्ट के नाम पर बांट देते हैं, कि सपोज करो अगर आप शूद्र में जन्मे हो तो आपको शूद्र वाली ही एक्टिविटीज करनी है, लेकिन वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं होता था। ये बदलता रहता था कि आप जैसा काम करोगे, सपोज करो अगर आपको रिलीजियस पर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप ब्राह्मण कुल के कहलाओगे, या अगर आप वॉरियर हो तो आप फिर क्षत्रिय कहलाओगे, या आप मर्चेंट से ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, वैश्य, और या फिर आप कोई मिनाइल वर्क कर रहे हो तो आपको शूद्र कहलाया जाएगा। लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं था कि अगर आपका इन इन्हीं वर्ण में जन्म हुआ है, ये आपके काम के हिसाब से चेंज हो सकती थी।
ठीक है, ये देखो इस तरीके से यज्ञ किया करते थे, राजा बैठा हुआ है, कुछ पुजारी हैं और ये परफॉर्म कर रहे हैं रिलीजियस एक्टिविटीज। अर्ली वैदिक टाइम्स में देखो एक चार्ट बना हुआ है, इसमें होता क्या था, सबसे पहले जो टॉप पे कौन है वो है ब्राह्मण, इसमें पुजारी या जो स्कॉलर्स होते थे विद्वान, फिर उसके नीचे है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम होता था कि वॉरियर होते थे, ये युद्ध लड़ते थे, इनका इनका काम था प्रोटेक्शन देना। फिर है वैश्य, वैश्य में आते हैं मर्चेंट्स या लैंड ओनर्स, यानी कि जो खेती बाड़ी करते थे या ट्रेड किया करते थे। ओके, उसके बाद है शूद्र, शूद्र में कॉमनर्स, पीजेंट्स, सर्वेंट्स हो गए, यानी कि जो किसी के खेत में काम करते थे या कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे या फिर मिनायल वर्क करते थे, यानी कि हाइजीन सैनिटेशन वाली सब चीजें किया करते थे। देखो इकोनॉमिक लाइफ, अब यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ किस तरह की थी। पीपल ऑफ द ऋग्वेदिक एज वर पेस्टलिस्ट हु बाय द एंड ऑफ पीरियड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर करना। ऋग्वेद वाले जो पीपल्स थे, जब बाय द एंड ऑफ पीरियड, जब लेटर वैदिक पीरियड से पहले पहले इन्होंने एग्रीकल्चर खेती करना स्टार्ट कर दिया। प्लो इज मेंशन इन द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद में मेंशन है कि हल से वो खेती वगैरह जुताई उताई क्या करते थे। ठीक है, दिस शोज दैट दे वर एक्वेंटेड विद द सोइंग, ये दिखाता है कि उनको पता था कि कैसे बीज बोने हैं, किस तरीके से हार्वेस्ट करना है, फसल को काटना है, वो अच्छी तरीके से जानते थे। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है आर्टिसन सच एज कारपेंटर भी हैं, कुछ रथ बनाया करते थे, कुछ कपड़े बनाया करते थे, कुछ लेदर का काम किया करते थे, इस लेदर वर्कर्स या आर्टिफैक्ट्स बनाया करते थे। पॉटर इंडिकेट्स दैट दे प्रैक्टिस क्राफ्ट्स, द टर्म अयास इज यूज फॉर द कॉपर और ब्रॉन्ज, देखो एक टर्म यूज हुई है अयास, ये कॉपर और ब्रॉन्ज के जो रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको अयास बोलते थे, यानी कि उनको मेटल्स का नॉलेज था। ठीक है, द रेफरेंस इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट टू अ मेटल टर्म शामयाज डेफिनेटली पॉइंटेड टू आयरन, एक वर्ड यूज हुआ है शामयाज जो कि आयरन की, यानी कि इनको आयरन की भी इंपॉर्टेंस पता थी, है ना। करेंसी स्टार्ट, अब इन देखो इस टाइम पे आते आते करेंसी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। वी हैव रेफरेंस टू कृष्णाला, अ टाइनी सीड साइज मेटल ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वो करेंसी को यूज करने लगे थे फॉर द फर्दर ट्रेड्स, जैसे कि निष्का सात मनाज वर कॉइन्स यूज एट द मीडियम, देखो ये कुछ कॉइन्स के नाम है, निष्का और सतमनाज, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, आपको कुछ ट्रेड करना है तो आप एज अ कॉइन्स आप इनको यूज कर, लाइक ऐसे हम यूज करते हैं पैसे, रुपीज यूज करते हैं। देयर आर इन्यूमरेबल रेफरेंस टू द काउज और बुल्स अक्रॉस द ऋग्वेद, ऋग्वेद में बुल और काउ का काफी अच्छे तरीके से वर्णन है, पूरा डिस्क्रिप्शन है। मोस्ट ऑफ देयर वॉर्स वर फॉट ओवर द काउज, ऐसा देखा गया है कि जो युद्ध हुआ करते थे वो काउ के ऊपर युद्ध हुए हैं, गाय के ऊपर, गाय काय जो आपकी काउ है ना उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी उस टाइम पे। ठीक है, पॉटरी, पॉटरी मतलब अभी एग्जांपल देखो आप, कुछ इस तरह के घड़े वगैरह जो मिट्टी से बर्तन बनते हैं, इस तरीके से लेटर वैदिक जो पीरियड के जो लोग थे वो इस तरीके की पॉटरी बनाया करते थे, जैसे ब्लैक और रेड वेयर हो गया, ब्लैक और रेड, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे करते थे, रेड वेयर, कोई कोई पूरा रेड ही बना देते थे, ठीक है, उस पर इस तरह के डिजाइन्स भी वो क्रिएट किया करते थे। ओके, रेड वेयर का मोस्टली कहाँ यूज होता था, जो मिला है हमें एविडेंस में वो वेस्टर्न यूपी के आसपास देखने को मिलता है। हाउएवर द पॉटरी दैट कैरेक्टराइज दिस पीरियड इज पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको शॉर्ट में PGW बोल देते हैं, यानी कि ग्रे कलर का यूज उसको पेंट, और बैंगल्स मिले हैं हमें, ग्लास के होब्स मिले हैं, और हमें कई सारी साइट्स मिली हैं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में। अब बात कर लेते हैं रिलीजियस बिलीफ, किस तरह के वो धार्मिक चीजें मानते थे, किस तरह की पूजा क्या करते थे, ये सब। सबसे पहले इसमें आता है इंद्र पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ द ड्वेलिंग,
यानी कि इंद्र भगवान का आपने नाम सुना होगा, तो उनको माना जाता है कि डिस्ट्रॉय, कि वो सब कुछ विनाश कर देते हैं, यानी कि उनको माना गया है कि वॉर। वरुण जो कि कॉस्मिक ऑर्डर को देखते हैं पूरा, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, सन मून ये सब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ये वरुण देवता की पूजा किया करते थे। इसमें अग्नि, अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, यानी कि फायर गॉड। और सोम एक तरह का प्लांट जिससे हम एक ऐसा यानी कह सकते हो अपना एक तरह का लिक्विड टाइप वो बना लेते थे, और जिसको काफी सेक्रेड माना जाता था, जिसको पीने से एक डिवाइन ये महसूस करते थे, एक कनेक्शन फील करते थे भगवान के साथ। देयर वर सम वुमेन डिविनिटीज सच एज अदिति और उषा हु रिप्रेजेंटेड द अपियरेंस ऑफ डॉन। द गॉड्स वर वर्शिप्ड थ्रू रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। यानी कि भगवान की जब पूजा करते थे तो जो भी अनुष्ठान किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, उसमें पूरे मंत्रोच्चार के साथ वो हवन किया, हवन या आहुति दिया करते थे। ठीक है। इन द लेटर वैदिक पीरियड इंद्र और अग्नि, जैसे ही अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हुआ और जब लेटर वैदिक पीरियड चलता गया, तो इंद्र और अग्नि जो देवता थे, इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब ये लोग प्रजापति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, द क्रिएटर एंड द विष्णु द प्रिजर्वर। यानी कि प्रजापति विष्णु, अब ये इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस कंटिन्यूड इन द, यानी कि जब भी ये हवन या कुछ यज्ञ किया करते थे तो उसमें सेक्रीफाइस किया करते थे। सपोज करो किसी जानवर की बलि देनी है ना, इस तरीके से। सो रिचुअल्स क्या करते थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट सेक्रीफाइस रिचुअल्स। देखो लेटर वैदिक पीरियड आते आते प्रीस्ट का इतना होल्ड हो गया था, क्योंकि वो देखो मोस्ट ऑफ द जितना भी पढ़ाई लिखाई का जो काम है, स्कॉलर्स हैं, वो प्रीस्ट लोग क्या करते थे, वही रिचुअल्स क्या करते थे। ठीक है। तो दिस रिएक्शन लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ द उपनिषद विच वर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट और स्ट्रेस ऑन द राइट बिलीफ ऑन द नॉलेज। यानी कि एक तरीके से प्रेस जो रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म किया करते थे, या जो भी रिसाइटेशन है, या फिर वैदिक कल्चर में जो चीजें लिखी हुई हैं वेदों के अंदर, वो उनको डिफाइन करते थे, लोगों को बताते थे कि किस तरीके से चीजें परफॉर्म करनी है आपको। फिर आती है आपकी चैल्कोलिथिक एज। इसका पीरियड है 4000 BC से लेकर 2000 BC तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल बिगिन यूजिंग स्टोन। इन्होंने स्टोन्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, और कॉपर टूल्स, ड्यू टू विच इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टोन कॉपर एज। चैल्कोलिथिक एज को स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। सम मेजर चैल्कोलिथिक साइट्स कौन कौन सी, कहां पर मिली है, तापी वैली में, दाइमाबाद में, गोदावरी वैली के आसपास, इनम गांव, भीम वैली, महाराष्ट्र, मस्की, ब्रह्मगिरी, कर्नाटका में। These villages could sustain a population of around 1000 people each। यानी कि जो हमें एक्सकेवेशन में जो चीजें मिली हैं, लगभग उस मतलब एक ग्राम में या विलेजेस में 1000 पीपल्स रहा करते होंगे उस टाइम, ऐसा हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिला है। मेगालिथिक बरियल्स, बरियल्स का मतलब होता है कि सपोज करो किसी को दबाना, दफनाना। देखो मेगालिथ लिटरली मीन्स लार्ज स्टोन, देख रहे हो बड़े बड़े स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थर हैं। इट इज अ नेम गिवन टू द स्टोन बोल्डर्स विच वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल टू मार्क बुरियल साइट्स। यानी कि जब किसी लोग पर समाज में किसी की भी डेथ होती थी, तो उनको एक फिक्स प्लेस दे दिया गया, तो उसको मार्क करने के लिए बड़े बड़े पत्थर को यूज करते थे, ताकि लोग इसको समझ पाए, पहचान पाए कि हाँ भाई ये एक बुरियल साइट है, यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है। प्रिजर्व दिस प्रैक्टिस बिगिन कब स्टार्ट हुई थी, 3000 BC में इंडिया में, वॉज प्रिजर्व इन द डेक्कन एरिया इन द साउथ इंडिया। और ऐसा भी देखा गया है कश्मीर में और महाराष्ट्र में भी कुछ इस तरह की साइट्स हमें देखने को मिली है। मोस्ट मेगालिथ्स फाउंड अपीयर टू बी ग्रेव्स। जितने भी मेगालिथ साइट्स मिली हैं, बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, अधिकतर में ये देखा गया है कि वो ग्रेव्स हैं, और कुछ इस तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है वहां पर। ठीक है। विद द स्लैब्स जहाँ पर मॉर्टल्स को रखते थे, उनको एक स्थान दिया जाता था कि जो मर चुका है डेड, उसको दफनाते थे। ठीक है। और उनको ऐसा माना जाता था
कि आफ्टर डेथ जो कनेक्शन है, तो उसके जब उसको उसी ग्रेवयार्ड में जब दफनाते थे किसी को, जब किसी की डेथ होती थी, तो उसके साथ पॉटरी, आर्टिफैक्ट संबंधित ज्वेलरी, ये सब भी साथ दफनाई जाती थी, ताकि आफ्टर लाइफ भी एक कनेक्शन, वो मानते थे कि आफ्टर लाइफ भी कोई कनेक्शन है, आफ्टर डेथ के बाद जो लाइफ है। तो मेगालिथ साइट्स कंटेन मटेरियल पजेशन सच एज पॉटरी, ठीक है, स्टोन्स हो गए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, उनके साथ ही उनको दफनाया जाता था, डेड बॉडीज के साथ ही। द डिस्कवरी ऑफ सच पजेशंस इन द मेगालिथिक साइट्स थ्रू लाइट ऑन द प्रिवेलेंट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ, ये हमें शो करता है कि कैसे एक सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड था उस टाइम, कि डेड बॉडीज के साथ ज्वेलरी, स्टोन्स, वेपन्स, टूल्स, उसको भी साथ दफनाया जाता था एज अ रेस्पेक्ट, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सम ऑफ द साइट्स हैव मल्टीपल बॉडीज बरीड एट वन बुरियल साइट, कहीं कहीं पर यह देखा गया है कि एक ही ग्रेवयार्ड में या एक ही कब्र में एक साथ कई सारी बॉडीज को दफना दिया, तो ऐसा माना जाता है कि शायद फैमिली एक साथ, पूरी फैमिली को ही एक कल्चर था या कोई ट्रेडिशन था, ताकि वो साथ ही दफना दिया जाता था, कि फैमिली एक प्रैक्टिस थी कि फैमिली को भी साथ ही एक जगह दी जाएगी। अ डीप और वाइड पिट वॉज डग टू क्रिएट स्पेस फॉर द एंटायर फैमिली, यानी कि एक इतना बड़ा गड्ढा किया जाता था वाइड, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स को जगह मिल पाए, डेड बॉडीज को दी जाती थी, एक साथ उनको दफनाते थे। एट द बरियल साइट्स इन ब्रह्मगिरी वी सी स्केलेटन्स अलोंग विद शेल्स, कॉपर बैंगल, स्टोन और गोल्ड, ये हमें देखा है कि जितनी भी डेड बॉडीज के साथ है, वो जो भी आर्टिकल्स हैं या स्टोन्स हैं या वेपन्स, टूल्स हैं, ज्वेलरी है, उन सब गोल्ड के बीड्स हैं, वो भी साथ में दफनाए गए। इनम गांव द लार्जेस्ट मेगालिथिक साइट इन इंडिया, इसका नाम है इनम गांव, ये सबसे बड़ी मेगालिथिक साइट है, जो कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में गोड रिवर के पास। दिस साइट केम टू लाइन, ये कब डिस्कवरी हुई इसकी, 1960s और 1970s के आसपास। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो फार्मर्स यहाँ रहा करते थे 1600 BC से 700 BC में, एक्सकेवेटर्स हैव डिस्कवर्ड अराउंड 134 हाउसेस इन द इनम गांव। इस साइट पे 134 हाउसेस मिले हमें। दीज हाउसेस, उन हाउस की शेप कैसी थी, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, और उनकी थैचड रूफ थी, यानी कि ऐसी धसी हुई रूफ। इनसाइड द हाउस देयर वाज ओवल पिट्स, यानी कि कहीं कहीं पे ना उन हाउसेस के अंदर ओवल पिट्स बने हुए थे, जो कि खाना पकाया जाता था, इस तरीके से उन्होंने एक घर के अंदर एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ था। और दिस सेटल्ड एरिया हैड अ फोर्टिफाइड वॉल, अ रिवर फ्रंट बनाया हुआ था, दिस प्रूव्स दैट अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द बोट्स वाज वंस मेड देयर, यानी कि लाइक डॉक यार्ड, यानी कि बोट्स को रुकने का जगह कहाँ पर है, तो वो भी ये चीजें मिली हैं मेगालिथिक साइट्स के आसपास ही। इनम गांव हैड अ वेल डेवलप्ड, देखो इनम गांव एक वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री सेटअप रहा है यहाँ पर, वेल प्लान सिटीज। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी की है, क्या क्या मिला उनको, टूल्स मिले हैं, स्टोन्स के, कॉपर के, ऑर्नामेंट्स मिले हैं वहां पर गोल्ड के, ठीक है, और टूल्स बने हुए थे स्टोन्स के, जिसको यूज किया जाता था मीट काटने के लिए, या फिर कोई ना सपोज करो किसी चीज को घिसना है तो वो शार्प कर लेते थे उसको, इस तरीके से। अदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिले हैं, टेराकोटा बीड्स मिले हैं, सेमी प्रेशियस जेम्स मिले हैं, और आइवरी और सी शेल्स, ये तरह के कुछ मेटल्स हैं, ये सब चीजें हमें मिले हैं। इन मेटल्स के बारे में आप फर्दर क्लास में आगे पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। इनम गांव इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू इट्स बरियल प्रैक्टिस, देखो इनम गांव इम्पोर्टेंस है इसके लिए क्योंकि बरियल साइट के लिए जाना जाता है। हैव बीन फाउंडेड इनम गांव द मेगालिथिक बरियल्स वर फाउंड अंडरग्राउंड एंड द बिग स्टोन्स वर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द टू मार्क द बरियल स्पॉट, यानी कि ग्रेवयार्ड पूरा बना दिया जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, फिर वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो एक लोकेशन मान सकते हो आप, एक तरह की लोकेट किया जाता है। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को फॉलोड बाय द वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर में फॉलो की गई थी, ठीक है, ब्रॉट इन बाय द आर्यंस, जो कि आर्यंस लाए थे।
ऐसा माना जाता है कि देखो आपको याद होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ तो उसमें एक कारण आर्यंस का भी, आर्यंस ने इन्वेजन कर दिया था इनके ऊपर, तो आर्यंस ने जो भी वहां पे नॉलेज गैदर की होगी वो सब मेंशन वैदिक कल्चर में है। आर्यंस को माना जाता है कि जब उन्होंने माइग्रेट किया तो 2000 BC में सेंट्रल एशिया से आए थे वो लोग, एक ट्राइब थे, ट्राइब्स थी तो सेंट्रल एशिया से आई थी भारत की ओर, और यहाँ आकर नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में भारत में बस गए थे। मेन सोर्स क्या है? वैदिक पीरियड का, ऋग्वेद में सब कुछ मेंशन है। चार वेद पढ़े हमने तो उसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। सोर्सेस दिखाते हैं कि सोशल एक्टिविटीज क्या परफॉर्म होती थी, किस तरह की पॉलिटिकल लाइफ थी, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे, कैसे वो रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, ये सब ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन है। चैल्कोलिथिक एज, ये इसका टाइम पीरियड है 4000 BC से 2000 BC तक। इसको स्टोन कॉपर एज जो हमने पढ़ा है पहले वो भी मानते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड और मार्क विद बिग पीसेस, हमने इसमें वो भी देखा कि जब डेड बॉडीज को दफनाया जाता है तो बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता था, तो वो उनको बोलते हैं मेगालिथिक बेरियल। दे वर सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कहाँ मिलते हैं आपको? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, और कुछ पार्ट कश्मीर में, और कुछ बड़े बड़े साइट्स कहाँ मिले हैं जो हमने देखे? इनम गांव, वो महाराष्ट्र में मिले। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द पोजीशन ऑफ द किंग फ्रॉम द अर्ली वैदिक टू द लेटर वैदिक एज। यहाँ पर किंग की पोजिशन के बारे में बताना है कि पहले क्या होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, कि देखो किंग इतना पावरफुल नहीं था क्योंकि सभी लोग अपने ऑक्यूपेशन के बेस पर सब एक्टिविटीज क्या करते थे, ठीक है, या रिलीजियस एक्टिविटीज हो गई। फिर धीरे धीरे जो समिति होती थी, समिति या वर्ण ग्राम, तो ये इस तरह का काउंसिल हुआ करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे एरिया बढ़ता चला गया तो उसमें किंग की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। इतना ज्यादा एरिया कवर होता गया, किंग को अल्टीमेटली किसको पावर आ गई थी? किंग को मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ द लेटर। हमें वेरियस सोर्सेज बताना है, सोर्सेज बताने हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी, ये हमें बताना है। कि जैसे हमने देखा था कि धीरे धीरे इंद्र और वरुण देव जो तो देवता है, इनका जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। पशुपतिनाथ और विष्णु को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। ठीक है, व्हाट डू यू नो अवर फैमिली एंड किनशिप ऑफ द वैदिक एज। किस तरह की फैमिली थी? कुल में रहा करते थे, कुलक बोलते थे, फिर ग्राम बने, ठीक है, जन, ठीक है, और फिर जो सबसे कई गांव को मिला देते थे जन बनता था, गण बोलते हैं जिसको, वैसे गण बोलते हैं वैसे, जिसको किंग रूल किया करता था। ठीक है, फिर व्हाट आर द मेगालिथिक बरियल्स एंड व्हाट डू वी नो अबाउट दैट। मेगालिथिक बरियल्स का मतलब है कि जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता था और उसको एज अ सिंबल बड़े बड़े पत्थरों खड़ा किया जाता था। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट अ केस स्टडी इनाम गांव के बारे में आपको बताना है कि ये साइट कहाँ पर मिली है, किस तरह का हाउसेस मिले हैं यहाँ पर, रेक्टेंगुलर शेप था उनका घरों का, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें डिस्क्राइब करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो स्टे एक्साइटेड फॉर क्लाइंब ऑफ अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।